जो मेडिकल चेकअप होता गया है, क्या जानकारी है? मैं सिर्फ डॉक्टर विद्या वरकुटे, हाँ मैं SMBT कॉलेज से आए हैं। यहाँ पे जो कैंप रखा है, मतलब यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, यहाँ पे बहुत टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं। उसमें ऑर्थो के पेशेंट्स हैं, मतलब हड्डी वाले, गायनेक से रिलेटेड है, जो महिलाओं का आधार रहते हैं वो पेशेंट्स हैं। उसके बाद बाकी भी है मेडिसिन, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो हर तरह का चेकअप यहाँ पे हो रहा है। और फिर जो पेशेंट यहाँ से सॉर्ट आउट होके जो आगे की ट्रीटमेंट या ऑपरेशन फ्री में करवाने चाहते हैं, वो SMBT हॉस्पिटल आ सकते हैं। 24 तारीख को उनको बस मिलने वाली है यहाँ से। कितने पेशेंट का चेकअप हो चुका है अभी? यहाँ पे 50 से ऊपर पेशेंट चेक कर चुकी हूँ। तो कौन कौन से बीमारी के पेशेंट? मतलब बहुत से हड्डी की तकलीफ है जिनको, सांधों में सबसे ज्यादा, मतलब क्वांटिटी सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन सी बीमारी? ऑर्थो वाले, हड्डी की, हड्डी के दर्द वाले। चेकअप के दौरान कोई ऐसा क्रिटिकल केस आया क्या? नहीं, क्रिटिकल ऐसा कोई नहीं है अभी। पिटी जो उत्तर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जो कि 810 बेड का हॉस्पिटल है। कहाँ पर ये हॉस्पिटल? हमारा जो हॉस्पिटल है इसी तालुका में, धामनगांव बोल के गाँव है, जो कि नासिक जिले में आता है, वहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है। और हमारे हॉस्पिटल जो भी सर्जरीज होते हैं, अभी जिस कैंप में हमने जो कैंप लगाया, यहाँ पे जो भी पेशेंट निकलते हैं, आँखों पे जिसको मोतिया बिंदु है, उनको ऑपरेशन हम फ्री में करेंगे। किसी का हिप रिप्लेसमेंट है, घुटने का ऑपरेशन रहेगा रिप्लेसमेंट का, वो भी हम लोग फ्री में करेंगे। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट सर्जरी, वो भी हम फ्री में करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे 24 तारीख को गाड़ी के अरेंजमेंट भी हमने हॉस्पिटल की ओर से किया है। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन के पेशेंट निकलते हैं, तो उनको गाड़ी में हम लेके जाएंगे। उनका आगे का जो भी चेकअप रहेगा, जो भी ऑपरेशन रहेगा, वो उनको वहाँ पे पूरा करा के देंगे। तो ये इलाज पूरा फ्री में होगा? हमारा जो महात्मा फुले जन आरोग्य योजना है, वो उसमें तो हम फ्री में करेंगे। और कुछ सर्जरी है जो हॉस्पिटल की ओर से फ्री होते हैं, वो भी फ्री करेंगे। और कुछ ऐसी जनरल सर्जरी है जो फ्री होने होते हैं, उनको हम कम से कम दाम में करने की कोशिश करेंगे। सुधीर भाई, क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं सुधीर भगत, उमरा का नागरिक, उमरा का बच्चा होने के नाते मैंने लोगों से अपील की कि मेरा एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है उमरा की ओर। हर माँ बाप को उनका इलाज, उनको स्वस्थ रखना, ये मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। उस दायित्व को निभाते हुए SMBT हॉस्पिटल घुटी के मैंने संपर्क किया, और उस संपर्क के जरिए से उनको बताया कि यहाँ पर आप एक कैंप रखिए, मेडिकल कैंप। लेकिन कैंप रखते समय ये वादा करिए कि जो इनका इलाज होगा वो सहूलती दर में होगा। यानी अगर कोई भी चीज़ का इलाज अगर 1,00,000 रुपये है तो सिर्फ 25,000 में होना चाहिए। अगर उसका इलाज 10,000 में तो 2,500 में होना चाहिए। यानी कम से कम में हमारे यहाँ की जो आवाम है वो उस रोजाना रोजमदारी के ऊपर उनका व्यवसाय चलता है, उनका इनकम रोजमदारी के ऊपर है। तो वो हिसाब से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, और मैं SMBT हॉस्पिटल की तरफ से आज ये कैंप लगाया गया है, जिसमें हार्ट का, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है आपको, अगर उसका आगे चलकर कुछ भी इलाज निकलता है, तो वो लोग सहूलती दर में बस आएगी 24 तारीख को यहाँ पर। उनको बताया गया है कि 24 तारीख को बस आएगी, उस बस में उनके साथ और एक आदमी को, घर वाले को, वो लेके जाएंगे, उसका इलाज करेंगे। और जितने दिन का भी इलाज होगा वो करके उसको वहाँ पर, यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। सिर्फ चेकअप नहीं, पूरा इलाज करना, ये मेरा मकसद है। इलाज के साथ साथ पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है, पिकअप और ड्रॉप अप, यानी शुरुआत से अंत तक उसको लेके जा करके उसका, हमने हमेशा देखा है, आपने देखा होगा मुंडा के अंदर के मेडिकल कैंप लगते हैं, उसको सिर्फ चेकअप होता है, उसके बाद उसका इलाज का कोई पता नहीं होता। लेकिन उसका इलाज करना ये मेरा दायित्व बनता है, और बस दायित्व के ऊपर मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधीर भाई, हार्ट के अलावा और कौन कौन सी बीमारियों की जांच की जा रही है और उसका इलाज कराया जाएगा? हार्ट के अलावा लेडीज़ लोग को कई प्रॉब्लम्स होते हैं, मानसिक प्रॉब्लम होते हैं, उनके रेगुलर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका इलाज भी उनको वहाँ पर कम से कम दर में किया जाएगा। उसके बाद कैंसर का, अगर यहाँ पर आए हुए पेशेंट्स, उनमें अगर कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको भी माफक दर में उनका इलाज किया जाएगा। और सिर्फ इलाज नहीं किया जाएगा, मेरा पूरा दायित्व है यहाँ से लेके जाकर उनको यहाँ पर लेके आना, ये मेरा मकसद है। यानी एंड टू एंड मेडिकल सॉल्यूशन, ये मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ आर्थराइटिस, यानी जिसको घुटने पैर दर्द सांधेवात है, या फ्रैक्चर है, या कुछ भी है उनको, उसका भी इलाज यहाँ पर किया जाएगा।
और मैं आप सबके माध्यम से मुमरा वालों से फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, अगर फिर भी आज नहीं आ पाए आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट का ऑपरेशन की ज़रूरत है या मुझे कैंसर के इलाज की ज़रूरत है, 19 तारीख को आइए 8 बजे। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि आपको SMBT हॉस्पिटल तक पहुँचाने की और वहाँ से आपका इलाज माफक दर में कर करके यहाँ पर लेके आने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपसे कितने लोग इस स्कैम का लाभ उठा चुके हैं? मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैंने 150 का आंकड़ा पार किया है। वेरी गुड। और कम समय में हमारे पास ये 15 तारीख को हम लोग का ये तय हुआ कि और 15 तारीख को हमको परमिशन मिली। अभी मैंने कुछ लोगों को 2D ECO के लिए भेजा है। आप जानते होंगे 2D ECO के लिए सिर्फ एक और व्यक्ति को 500 रुपया खर्चा आने वाला है। हालांकि 2D ECO के लिए आप जाओगे तो 2 से 2500 रुपया चार्ज होता है। अभी कुछ लेडीज़ को और कुछ जेंट्स लोगों को मैंने भेजा है और मैं खास करके प्राइम हॉस्पिटल का धन्यवाद देता हूँ कि SMBT हॉस्पिटल और प्राइम हॉस्पिटल कोलैबोरेशन में हमको ये सुविधा दे रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से प्राइम हॉस्पिटल का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शाम में कितने बजे तक कैंप चलेगा ये? ऐसा है कि कल आपने देखा रहेगा रात को बहुत बारिश हुई थी, उसकी वजह से ये कैंप थोड़ा सा देरी में चालू हुआ, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कैंप 4 बजे तक चलता है।